क्वेश्चन नंबर वन, हाल ही में प्रधानमंत्री और सांसदों के वेतन में कितने परसेंट की कटौती के लिए अध्यादेश जारी किया गया है? तो अभी हाल में ही प्रधानमंत्री और सांसदों के वेतन में 30% की कटौती के लिए एक अध्यादेश जारी किया गया है, और ये जो 30% की कटौती करी गई है, ये इससे बचाई गई राशि को कोरोना के खिलाफ लड़ने में यूज किया जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन बी सही है। 6 अप्रैल 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री और अन्य सांसदों के वेतन में 30% की कटौती को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपाध्यक्ष के वेतन से काटी गई राशि को भारत की संचित निधि में जमा किया जाएगा, और इससे टोटल बचत जो होगी भारत सरकार को, वो होगी 7900 करोड़ रुपीज की बचत होगी, जिसको कोरोना के खिलाफ लड़ने में यूज किया जाएगा। और कैबिनेट ने यह भी मंजूरी दी है कि एमपी लैड्स को 2 वर्ष के लिए स्थगित किया जाए। अभी एमपी लैड्स क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स लोन लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, ये एमपी लैड्स होता है। इसकी स्थापना 1993 में की गई थी, और इस योजना के तहत प्रत्येक सांसद को प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए प्रदान किए जाते हैं, जिससे कि वह अपने क्षेत्र में विकास के कार्य कर सकें। तो ये एमपी लैड्स को 2 वर्षों के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब आइए भारत की संचित निधि के विषय में जान लेते हैं। भारत की संचित निधि में भारत का टोटल रेवेन्यू रखा जाता है, यानी भारत सरकार जितना रेवेन्यू जनरेट करती है उसको भारत की संचित निधि में रखा जाता है, और संचित निधि की स्थापना अनुच्छेद 266 के अंतर्गत की गई थी। तो याद रखिएगा, आर्टिकल 266 भारत की संचित निधि की स्थापना के लिए बनाया गया था। इसके अलावा इसमें डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ऋण प्राप्तियां और उधार लिया गया धन शामिल है। इस कोष से संसद की अनुमति के बिना धन निकाला नहीं जा सकता है, यानी कि अगर इससे कोई भी धन निकालना है तो उसमें संसद की अनुमति जरूरी है। और इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सीएजी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन इसी कोष में से, यानी कि भारत की संचित निधि से निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर टू, हाल में ही किस देश में एक बाघ को कोविड-19 से संक्रमित पाया गया है? तो अभी हाल में ही अमेरिका के एक बाघ को कोविड-19 से संक्रमित पाया गया है। इस प्रकार से ऑप्शन ए सही है। इसकी सूचना मिलने के बाद अमेरिका के सेंट्रल जू अथॉरिटी ने सभी चिड़ियाघरों को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा है, और ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी जानवर में कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है। और ये न्यूयॉर्क के बॉक्स जू में बाघ रहता था, ये 4 वर्षीय बाघ था जो कि कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, और यह बीमारी विभिन्न प्रजातियों में अलग अलग व्यवहार करती है। अभी तक इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है कि कोविड-19 का ट्रांसमिशन जानवरों से इंसानों में हो सकता है। क्वेश्चन नंबर थ्री, पशु अधिकार संस्था पेटा इंडिया को किसने हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया है? तो अभी हाल में ही पशु अधिकार संस्था पेटा इंडिया ने हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को सम्मानित किया है। इस प्रकार से ऑप्शन ए सही है। और नवीन पटनायक ने लॉकडाउन के दौरान सामुदायिक पशुओं को खिलाने के लिए धन आवंटित किया था, जिसकी वजह से इनको यह पुरस्कार दिया गया है, और यह पुरस्कार पेटा इंडिया ने दिया है, और यह पुरस्कार का नाम है हीरो टू एनिमल्स अवार्ड, इसको याद रखिएगा, और ये नवीन पटनायक को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फोर, 2022 में चीन के हांगजो शहर, जो कि झेजियांग प्रांत में आता है, इसमें आयोजित होने वाले 19वें एशियाई खेलों का आधिकारिक शुभांकर क्या है? तो अभी हाल में ही चीन में होने वाले 19वें एशियाई खेलों के आधिकारिक शुभांकर को अनावरित कर दिया गया है, जो कि वर्ष 2022 में चीन के हांगजो शहर में खेले जाएंगे। हांगजो शहर झेजियांग प्रांत में आता है, और इसका आधिकारिक शुभांकर अब जारी कर दिया गया है। ये आधिकारिक शुभांकर है कांगकोंग, लियान लियन और चेन चेन, ये तीनों रोबोट्स के नाम हैं, और इनको स्मार्ट ट्रिपलेट्स कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि 19वें एशियाई खेलों का आधिकारिक शुभांकर कांगकोंग, लियान लियन और चेन चेन है, जो कि तीन रोबोट हैं, इनको स्मार्ट ट्रिपलेट्स कहा जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर फाइव, हाल में ही अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन फेडरेशन, यानी कि इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन ने किन दो देशों के भारोत्तोलन संघों पर ट्रिपल
टोक्यो ओलंपिक खेलों में खेले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो अभी हाल में ही IWF यानी इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय भार उत्तोलन फेडरेशन ने थाईलैंड और मलेशिया के भार उत्तोलन संघों पर टोक्यो ओलंपिक खेलों में खेले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्रकार से ऑप्शन ए सही है और IWF यानी इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने थाईलैंड पर 3 वर्ष का बैन लगाया है जबकि मलेशिया पर 1 वर्ष का बैन लगाया है। क्वेश्चन नंबर 6। हाल में ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने COVID-19 के उपचार में शामिल स्वास्थ्य कर्मियों को परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो अभी हाल में ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने COVID-19 के उपचार में शामिल स्वास्थ्य कर्मियों को परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए उबर के साथ टाई अप किया है। इस प्रकार से ऑप्शन बी सही है और इसके तहत उबर जो है ये COVID-19 के रोगियों के उपचार में लगे स्वास्थ्य कर्मियों को परिवहन सेवाएं प्रदान करेगी जिसके लिए उबर ने 150 कारें उपलब्ध करवाई हैं और इसका इस कैंपेन का नाम उबर ने रखा है उबर मेडिक सर्विस। तो इसको जरूर से याद रखिएगा और इसमें उबर ने कारों में स्वच्छता का पूर्ण ख्याल रखा है। अब आइए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के विषय में जान लेते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को नेशनल हेल्थ अथॉरिटी भी कहा जाता है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आयुष्मान भारत को लागू करने वाला शीर्ष निकाय है। इसकी स्थापना वर्ष 2018 में हुई थी जब राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण में बदल दिया गया था और इसको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है। स्वास्थ्य मंत्री इसके बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन है और इसमें इसके बोर्ड में 11 सदस्य शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। हाल में ही भारत की किस कंपनी ने विस्कॉन्सिन और मेडिसन विश्वविद्यालय के वायरोलॉजिस्ट के साथ मिलकर के COVID-19 के लिए कोरोफ्लू नामक एक नए टीके का विकास एवं परीक्षण शुरू कर दिया है? तो अभी हाल में ही भारत की एक कंपनी है जिसका नाम है भारत बायोटेक और इसने विस्कॉन्सिन और मेडिसन विश्वविद्यालय के वायरोलॉजिस्टों के साथ मिलकर के COVID-19 के लिए कोरोफ्लू नामक एक नए टीके का विकास एवं परीक्षण शुरू कर दिया है। तो इस टीके का नाम याद रखिएगा कोरोफ्लू इसका नाम है और इसको भारत बायोटेक बनाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन ए सही है और इस टीके को बनाने के लिए MMR वैक्सीन का उपयोग किया जाएगा। MMR का फुल फॉर्म है मीजल्स मम्स एंड रूबेला। इसको याद रखिएगा इस वैक्सीन का यूज करके कोरोफ्लू को बनाया जाएगा और MMR जो है ये इन्फ्लुएंजा वायरस का एक आत्म सीमित संस्करण है। यह फ्लू के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रक्रिया को प्रेरित करता है यानी कि ये फ्लू के खिलाफ इम्यूनिटी को डेवलप करता है और यह टीका कोरोना वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी को डेवलप करेगा। इस प्रक्रिया में कम से कम 3 से 6 महीने का टाइम लग सकता है और भारत बायोटेक लगभग 300 मिलियन खुराक बनाएगा पूरे वर्ल्ड के लिए और इस खुराक को दुनिया भर में वितरित करेगा। तो याद रखिएगा 300 मिलियन डोज बनाई जाएंगी इसकी। अब आइए भारत बायोटेक के विषय में जान लेते हैं। भारत बायोटेक एक भारतीय जैव प्रौद्योगिकी कंपनी है। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है और इसकी स्थापना भारतीय वैज्ञानिक कृष्णा एला के द्वारा की गई थी। तो इनका नाम जरूर से याद रखिएगा कि इन्होंने भारतीय बायोटेक की स्थापना की थी कृष्णा एला ने और भारतीय बायोटेक का मुख्यालय हैदराबाद में है और ये एक जैव प्रौद्योगिकी कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 8। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने हाल में ही कवच की स्थापना को मंजूरी दी है। कवच का फुल फॉर्म क्या है? तो अभी हाल में ही भारत सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग ने कवच की स्थापना की मंजूरी दे दी है और कवच का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर ऑग्यूमेंटिंग वॉर विद COVID-19 हेल्थ क्राइसिस। तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा कवच का। और भारत के साइंस एवं टेक्नोलॉजी मिनिस्टर कौन है? तो भारत के साइंस एवं टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन है। इस प्रकार से ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 9। एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा हाल में ही जारी की गई रिपोर्ट एशियाई विकास परिदृश्य 2019 की रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी का कितनी होने का अनुमान लगाया गया है? तो अभी हाल में ही एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है
जिसको एशियाई विकास परिदृश्य 2019 कहा जा रहा है, और इस रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी 5% से घटा करके 4% कर दी गई है। इस प्रकार से ऑप्शन डी सही है, और भारत की जीडीपी 4% अनुमान लगाने की वजह जो है कोरोना वायरस महामारी को बताया जा रहा है। कोरोना वायरस की वजह से जो महामारी फैली हुई है उसकी वजह से एडीबी ने भारत की जीडीपी को 5% से घटाकर 4% कर दिया है। अब आइए एशियाई विकास बैंक के विषय में जान लेते हैं। एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में है। तो याद रखिएगा, इसका मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में है, और एडीबी की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी, और प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष हैं मसातुसुगु असाकावा। तो अध्यक्ष का नाम जरूर से याद रखिएगा, एडीबी के अध्यक्ष मसातुसुगु असाकावा हैं, जो कि जापान से हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता एवं खनन कार्य में सहायता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता एवं खनन कार्य में सहायता दिवस प्रतिवर्ष 4 अप्रैल को मनाया जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन बी सही है, और अभी हाल में ही 4 अप्रैल 2020 को अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता एवं खनन कार्य में सहायता दिवस मनाया गया, और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य खदान सुरक्षा और बारूदी सुरंगों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इसके अलावा अप्रैल में कुछ अन्य महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं, जैसा कि 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाया गया है, जिसे हम उत्कल दिवस भी बोलते हैं। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया गया है, तो इसको भी याद रखिएगा, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल को मनाया गया है, और 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस यानी कि उत्कल दिवस मनाया गया है। इसके अलावा 5 अप्रैल को नेशनल मेरी टाइम डे यानी कि समुद्री जागरूकता दिवस मनाया गया है, इसको भी याद रखिएगा।